नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी को, जिसने इतनी सुंदर व्याख्यान माला के लिए संस्तुति प्रदान की। निश्चित रूप से ये अवसर है हमारे डॉक्टर मनीष कुमार मिश्र जी को आशीर्वाद देने का, शुभकामनाएं देने का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी बखूबी संचालित किया। आज ये श्रृंखला लगभग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और बहुत ही कठिन मेहनत से, परिश्रम से आपने जिस तरह से इस श्रृंखला को संचालित किया, आप साधुवाद के पात्र हैं। आज मैंने विषय चुना है लोक गीतों में जीवंत सांस्कृतिक धरोहर। लोक गीत हमारे जनमानस में इस तरह से व्याप्त हैं, इस तरह से संस्कृतियों को समेटे हैं कि उसके हर एक पक्ष पर उन्होंने विचार किया है। हमारा लोक सदा ही सजग रहा है और एक एक वो अच्छाइयां हो या बुराइयां हो, सभी पे निगाह गई है उनकी, किसी भी विषय से वो अछूता नहीं रहा। लोक को आज श्रेष्ठ संस्कृति के लोग कहते हैं कि लोग अनपढ़ है, मगर मैं तो कहती हूं कि लोग अनपढ़ होकर भी पढ़ा लिखा है और अनगढ़ होकर भी बहुत ही खूबसूरती से गढ़ा हुआ है। ये संस्कृति इतनी विशाल है कि इसको सीमित शब्दों में समा पाना तो असंभव है, किंतु मैं प्रयास करती हूं कि आपको कम शब्दों में ही अपनी बात पहुंचा सकूं। लोक गीतों ने लोक संस्कृति की सहज रूप रेखा खींची है। अनेक शैली, भाषा और बोलियों में गाए जाने वाले गीत एक ही लोक संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को उद्घाटित करते हैं। लोक मानस की एक एक रेखा सुख दुख, हास परिहास, विजय पराजय के गीत आस्था, विश्वास, सौजन्यता, शालीनता के मूल तत्वों से समन्वित होकर जीवन के समस्त भावों के दर्शन कराते हैं। यूं तो भारतवर्ष में लोकगीतों की विशाल परंपरा है, किंतु उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की चर्चा हम करेंगे क्योंकि मैं यहीं की निवासी हूं। अब लोकगीत हमारे घरों में इस तरह से हमें संस्कृति से परिचित कराते हैं। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी और मेरी नानी जी, सुबह सुबह मैं उठती थी तो उनके स्वर गूंजते रहते थे और वो इतनी हठी हो जाती थी जैसे कभी लाइट चली जाए या कभी बहुत तेज बारिश हो रही है। तो वो लोक का क्या तादाद में है ईश्वर के साथ, वो बिल्कुल समान भाव रखता है ईश्वर के साथ। वो झगड़ भी जाता है और वो हठी भी हो जाता है, अपनी बात मनवाने लगता है। वो उस तरह से सुबह सुबह भी गाती थी और जब भी कोई खास परिस्थिति आती थी तो उसमें उनका गाना शुरू हो जाता था कि तुम दीन बंधु भगवान खबर लियो मेरी, खबर लियो मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, कौन गति होई, ले नंद नंदन को नाम द्रौपदी रोई। तो इतना सुंदर वातावरण, एक ये रुहेलखंड की जो भाषा है, उत्तर प्रदेश का एक भाग है, उसमें ये
रचना रची गई है और बहुत ही खूबसूरत सुबह होती थी वो हम सभी की। तो बचपन से उसे संस्कार में पाया है कि हमें ईश्वर के साथ ही शुभारंभ करना है। उत्तर प्रदेश कला संस्कृति अध्ययन दर्शन विद्या व शौर्य सभी भाव वैविध्यपूर्ण गुणों का केंद्र रहा है। सूफी संतों दार्शनिकों महर्षियों की कर्म स्थली में जन्मे ये लोकगीत सरलता व सहजता में रचे बसे हैं, जिनका बौद्धिक तर्क वितर्क ज्ञान के आधार पर सृजन नहीं किया गया है। लोग स्वतः उन्मुक्त भाव से गाता तथा गुनगुनाता है, जिसमें देखें तो कला की उत्कृष्टता, छंद का वैविध्य, रसात्मक भावोच्चता, रीति नीति का संदेश है, जो समय काल परिस्थिति के अनुरूप रचित हैं। वह रुके हुए पानी सा बदबूदार नहीं है, अपितु प्रवाहमान है, नदी के समान गतिशील होकर कला सुगंध को बिखेर रहा है। अपनी सहजता में भी सचेत, अपने अल्हड़पन में भी मर्यादित, निसीम होकर वे संतुलित लोकित समाज को संदेश प्रदान करते हैं। यही भाषाई दृष्टि से अवधी, भोजपुरी, ब्रज, कौरवी तथा कन्नौजी गीतों से लोक उत्तर प्रदेश का लोकगीत समृद्ध है। लोक रचनाकारों ने लोक चेतना को व्यक्त करते हुए आचार विचार संस्कार आतिथ्य सत्कार मनौतियां मंत्र तंत्र तोने टुटके सभी को विषय बनाया है। लोक संगीत सहज ग्राह्य होने के कारण सभी जाति धर्म उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। धुनें छोटी हैं किंतु उनके अर्थ विशाल हैं, जो जीवन के विविध भावों का प्रतिबिंब है। यह मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इसमें भावों की निरंतरता स्वाभाविकता सहजता तथा सनातनता है और अतः यह सर्वथा प्राचीन होते हुए भी नवीन है। लोकगीत के संदर्भ सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक आर्थिक से संबद्ध होते हैं। लोकगीत साहित्यिक सौष्ठव से श्रेष्ठ ऐतिहासिक तथ्यों से परिपूर्ण सांस्कृतिक तथ्यों से सुसंस्कृत धार्मिक तथ्यों से परिपूर्ण तथा पौराणिक आख्यानों से भरे हुए हैं, जिनका नैतिक भौगोलिक आर्थिक भाषा विज्ञान संबंधी महत्व है। भिन्न शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकगीत प्राची और प्रतीचि का सुंदर समन्वय है। लोकगीतों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देवी गीतों से शुरुआत होती है और ये देवी गीत जहां ईश्वर को मनाने के लिए होता है वहीं व्याधियों को दूर करने के लिए भी इसकी गायन शैली अपनाई जाती है। और आज जब हम संगीत चिकित्सा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पचरा गाने की बहुत पहले से परंपरा थी। बिया के डारी मैया झूले ली झूलन वाकी झुकी झुकी ना मैया बैठे ली झूलन बाकी झुकी झुकी ना। देवी गीतों की परंपरा बहुत सुंदर है। बहुत सारे देवी गीतों से सारी कृत्य हमारे लोक के शुरू होते हैं। वो कोई भी संस्कार गीत हो, कोई भी पर्व का अवसर आए, किसी भी ऋतु की बात हो, सबसे पहले हमें देवी से ही शुरुआत होती है। देवी पूजन चली हरेशाय रसीली मालिनिया, देवी पूजन चली हरेशाय रसीली मालिनिया रसीली मालिनिया छबीली
देवी पूजन चली हर साए रसीली मालिनिया अड़वल फूल चमेली की कलिया कंचन थार समाए रसीली मालिनिया देवी पूजन चली हर साए रसीली मालिनिया। इसी प्रकार प्रकृति लोक संस्कृति का आधारभूत तत्व है। वन उपवन, सांझ सवेरा, पक्षी जानवर, वृक्ष लताएं, ऋतुएं, कृषि, सभी ने लोक गीतों को समृद्ध किया है। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों का स्नान, ध्यान, पाप तारने, विसर्जन करने, जामुन, गुलर, नींबू, केला, अमरूद, शरीफा, आंवला, कदम्ब, नारियल, पीपल, बरगद, चंदन, नीम, हल्दी आदि वृक्षों तथा फूल फुलवारी, कमल, गुलाब, गुड़हल, चंपा, चमेली, बेला, सरसों, करेला, भाटा, तुलसी, कुश, पराश आदि फूल पौधे वनस्पतियों का विवेचन प्रायः लोक संस्कृति का वर्ण विषय रहा है। कवि गीत के उदाहरण में प्रकृति का अद्भुत विवेचन है तथा प्रत्येक प्रकृति संरक्षण हेतु ध्यानाकर्षण भी किया गया है। गुण सुंदर वैशाख की बिरिया में न कहे आया है जेठ जे सावन मास सूखी है जल कुंवारी सूखा है सरवर ताल सूखी है जल मास माछरी। प्रकृति को बचाने के भी लिए लोग सदा ही सजग रहा है। एक विदाई गीत की बात करते हैं हम, तो एक बेटी विदा हो रही है तो अपने पापा से कहती है कि बाबा नींबिया के पेड़ जिन कटई हो नींबिया चीरैया बसे बाबा नींबिया। इसी प्रकार प्रकृति के सौंदर्य को भी लोक ने बहुत ही अनुपम दृष्टि डाली है। तोता, मैना, मोर सभी में प्रकृति ने अद्भुत रंग संयोजन दिया है जिसे लोक गीतों में बहुत ही सुंदरता के साथ उतारा गया है। हरी री चिरैया तोरे प्यारे प्यारे पंख रेना, कितना सुंदर है। राम सिया के फुलवारी में मिलन का के समय का भी भोजपुरी लोकगीत में फूलों का सुंदर चित्रण है। सखी फूल लोढ़े चलू फुलवरिया सीता के संग सहेलियां, कोई बेली फूल लोढ़े चमेली फूल लोढ़े कोई लोढ़ेला चंपा कलिया सीता के संग सहेलियां, कोई राम वर मांगे कोई लक्ष्मण वर मांगे कोई मांगेला फूलन कलिया सीता के संग सहेलियां, कोई गुथेला चंपा कलिया सीता के संग सहेलियां, कोई राम गले डाले कोई लक्ष्मण गले डाले कोई डाले चंपा डलिया सीता के सहेलिया। ये राम कृष्ण हमारी लोक संस्कृति के ऐसे वर्ण विषय हैं जिनका सामान्य जनमानस के साथ बहुत सुंदर तादाद में हमारी संस्कृति। हमारे यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तो हम सारे सोहर देखेंगे तो वो राम गोकुला में बाजत बधैया आनंद घरे सोहर आनंद घरे सोहर हो आहो जन्मी है दीन दयाल। मतलब जितने भी बच्चे का जन्म हो रहा है वो राम है या कृष्ण है। इसी प्रकार भादों की रतिया लुभावन अवरी सोहा
चलना देव की के आठवें गर्भवा कन्हैया जी जन्म लिहले हो ललना देव की के आठवें गर्भवा कन्हैया जी जन्म लिहले हो। साथ साथ ननद देवर सास ससुर रिश्तेदार सभी को देवी देवताओं और कीट पतंगों से जोड़कर भी लोक गीत बने हैं जो कि दोनों के सामंजस्य को दर्शाते हैं। हमारी संस्कृति साम्य भाव से चलती है, जहां वो देव रूप में रहती है वहां पे वो जानवरों से भी जोड़ती है, पक्षियों से भी जोड़ती है, कीट पतंगों से भी जोड़ती है, तो अद्भुत है। एक अमीर खुसरो जी ने बहुत ही सुंदर लोकगीत विदाई गीत लिखा है जिसे फिल्मों में भी लिया गया, हालांकि उसमें शब्द थोड़े बदल दिए गए हैं किंतु फिल्मों में भी वो धुन ली गई है, उसके शुरू के शब्द वही लिए गए हैं। और ये लोकगीत लगभग लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं, वो भोजपुरी हो, वो अवधी हो, वो कौरवी हो, वो बुंदेलखंड हो या ब्रज हो, थोड़ा थोड़ा भाषा भेद आता है किंतु गाया हर जगह जाता है। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबूले मोरे, काहे को ब्याही विदेश, हम तो बाबूले तोरे अंगना की चिड़िया, हम तो बाबूले तोरे अंगना की चिड़िया, रुगी चुगी के उड़े जाए, काहे को ब्याही बिदे, हम तो तोरे बाबुल फूटा की गईया, जित हाँ को हाँ की जाए, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबूले मोरे, काहे को ब्याही विदेश। कितना सुंदर चिड़िया और गाय के साथ संबंध लड़की ने, बहुत ही मार्मिक गीत है और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। नदियां कुआं पोखर तालाब लोक जीवन के आधार रहे हैं, जीवन से मृत्यु तक के कृत्य के में ये सहचर है। गंगा यमुना सरयू सुरसरी के नाम लोकगीतों में प्रायः पाए जाते हैं जो हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। अनेक गीतों में इनका वर्णन मिलता है जिनकी पूजा आराधना के से जीवन जुड़ा है, तथा अनेक जीव जंतु इनके तट पर विराजते हैं। एक बड़ा सुंदर गीत है कि सरयू तीर मोर चातक पिक, बोलत पिया मन भावन के। गंगा पुजैया हमारे यहाँ एक लोक संस्कृति का बड़ा ही सुंदर कृत्य है, ये विवाह के बाद होता है और उस संस्कृति में गंगा के सामने गंगा को एक साक्षी मानते हैं, पवित्र मानते हैं, अपने जीवन को निर्विघ्न वैवाहिक जीवन को निर्विघ्न करने के लिए ये बहुत सुंदर परंपरा लोक में व्याप्त है। और उसके भी बड़े सुंदर सुंदर गीत पाए जाते हैं। जो रे गंगा मैया मन सा पुर बे, जो रे गंगा मैया
मनसापुर बे घुघरी बतासा चढ़ई बे बधैया बाजे ना। घुघरी बतासा चढ़ई बे बधैया बाजे ना। जन्म के बाद ही कुआं पूजन की रस्म होती है, जहां सूर्य को अर्घ देकर बालक को सूर्य दर्शन कराने की प्रथा है, जो जन्म के सवा माह बाद होती है। मुंडन जनेऊ में भी तालाब नदी के किनारे ही बाल उतारने की प्रथा है। हिंदू धर्म में मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि भी गंगा नदी के किनारे ही होती है। अस्थियों को भी गंगा में ही प्रवाहित करते हैं, अतः नदियों की महत्ता अनमोल है। गंगा यात्रा के भी गीत मिलते हैं, हे सखी चला हिल मिल गंगा नहाए आई हो, हे सखी चला हिल मिल गंगा नहाए आई हो। ये बड़े यात्रा गीत है, औरतें गाते हुए जाती थी और गंगा स्नान के लिए। बनारस में तो हमने देखा है सुबह 4 बजे इसी तरह औरतें हाथ पकड़ के और गाते गाते चली जाती थी। और तुलसी की पूजा, तुलसी जहाँ एक औषधि के रूप में समाज में प्रचलित है, वहीं इसकी पूजा सौभाग्य वर्धक मानी जाती है। पवित्रता की ये पराकाष्ठा है। भगवान की पूजा में तुलसी एक आवश्यक अंग हो जाती है और कोई भी भोग पूर्ण नहीं होता है इसके बिना डाले हुए, वो प्रसाद के रूप में नहीं आ पाता है। स्वयं मीरा ने भी गाया है, अगर हली मन लागे वृंदावननी को घर घर तुलसी ठाकुर पूजा भोजन दूध दही को हली मन लागे हली मन लागे वृंदावननी को। घर में अम्मा को मैं सुबह उठ के नहा के और जब तक वो पूजा के लिए तैयार होती थी तब तक वो पढ़ती रहती थी कि तुलसा महरानी नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। मतलब जितनी देर वो एक पवित्रता का भाव, वो उतनी देर तक तुलसा नाम से ही पवित्रता, वो हमारे लोकगीतों की संस्कृति में इस तरह से छाई हुई है। साथ ही कन्नौजी जो गीत होते हैं उनमें भी पुत्र कामना के गीत मिलते हैं कि जो कि गंगा के किनारे ही गाए जाते हैं। अरे गंगा किनारे एक तीरिया अरज करे हो, अरज करे हो, गंगा एक लहरी हमें देव सो जी बूढ़ी मरे हो, की दुख की तुम सास ससुर की सजना परदेस हो। इसमें एक नारी जिसका पति परदेश में है, वो कह रही है कि मैं अपने सास ससुर के पास हूँ और मैं मुझे पुत्र चाहिए, तो कैसे मैं गंगा माँ को, वो मना रही है कि किस प्रकार से वो उस पर प्रसन्न हो और कैसे उसके पति को उसके पास लाएं जिससे उसकी पुत्र प्राप्ति की साध पूरी हो सके। सामाजिक पारिवारिक जीवन, शिष्टाचार संस्कार, मनोविनोद प्रथाएं, स्त्रियों की कथा व्यथा से लोक संस्कृति सदा ही समृद्ध रही है। समाज के रीति रिवाजों परंपराओं से संयुक्त परिवार जीवन मृत्यु पारिवारिक संबंधों का संस्कारों का उप संस्कारों का स्थान स्थिति का आवास खान पान व्यंजन वस्त्र सौंदर्य
विधुर विधवा सतीत्व आदि का सजीव चित्रण लोकगीतों में दिखाई देता है। साथ ही नारी स्थान दलित वर्ग के साथ न्याय अन्याय उनकी व्यथा का वर्णन भी लोकगीतों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। भोजन स्वाद आदि के साध के भी गीत बहुत सुंदर ढंग से मिलते हैं। बहुत सारे गीत मिलते हैं कि राजा मतलब एक जो अभी जो जिसको बच्चा हुआ है और वो उसको खाने के लिए अचवानी और इस तरह की चीजें दी जाती है, वो उसे पसंद नहीं है, तो वो किस तरह से लोकगीतों में गाती है कि राजा तेता हरे राग गले में अटके, राजा तेता गले हरे राग गले में अटके, देना वही है साथ तेता गले में अटके, राजा तेता हरे रा गले में अटके, सोट गुड़ के लड्डू मेरे मायके से आए रे, सोट गुड़ के लड्डू मेरे मायके से आए रे, देना वही है साथ गले में अटके, राजा तेता हरे रा गले में अटके। जच्चा के नखरे बड़े हैं और कन्नौजी के गीत में पीपर कपूर गेहूं आदि का सुंदर समावेश करके एक गीत बहुत सुंदर गीत लिखा गया है कि पीपर करुई कसैली बहुत बकठैली ललना, गेहुआ बरन मोरी देही जरद हुई जइहे रे, कपूर बस मोरी जिभिया जरद हुई जइहे रे। मतलब वो कहती है कि मुझे ये चीजें नहीं अच्छी लग रही हैं और ये ना दो मुझे तो खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिठाई और दूध फल मांगती है, ये सारी चीजें जो कि हमारे लोक की धरोहर रहे, हमारी संस्कृति में जो भी चीज खान पान दिया जाता था उसका जो जिस महिला को बच्चा हुआ है उसके लिए फायदे की चीज होती थी मगर वो पसंद नहीं आती थी, ये सारे भाव बहुत सुंदर ढंग से हमारी संस्कृति को इस संस्कृति को लोकगीतों में सहेजा है। भोजन परोसने के गीत भी लोकगीतों में बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है। उसमें जो भी अतिथि आते हैं वो देवताओं के समान, देवी गीतों में तो अक्सर पाया जाता है कि नीमा तले बागीचा तले देवी रुम जो आए गई, नीमा तले सोने की थाली में जेवना परोसा, सोने की थाली जेवना परोसा, नीवा तले बागीचा तले देवी रुम जो जेव गई, नीवा तले सोने के गेरुआ गंगा जल पानी, सोने के गेरुआ गंगा जल पानी, नीवा तले बागीचा तले देवी रुम जो जेव गई, नीवा तले। यही जो जितने भी हमारे यहाँ अतिथि आते हैं, सास ससुर देव देवर जेठ सभी को इसी तरह से सोने के गेड़ुआ में पानी देने की बात और सोने के थाली में खाना देने की बात कही जाती है कि सोने के थाली में जेवना परोसो, सैया रुचि रुचि खाए जेवना। तो इस तरह से बहुत सारे गीत मिलते हैं जिसमें सोने और चांदी के बर्तन में खाना खिलाने की प्रथा, ये हमारी समृद्ध संस्कृति की परिचायक, वो किसी भी बर्तन में खाना दे रही हूँ किंतु भाव उनका जो अंदर का है वो बहुत ही खूबसूरती से लोकगीतों में पिरोया गया है। वस्त्र जो कि बहुत ही
किसी भी संस्कृति का परिचायक होते हैं, किसी भी वस्त्र को देखकर हम बता सकते हैं कि ये अमुक राज्य का व्यक्ति है, ये अमुक देश का व्यक्ति है, उसकी उसकी चुनर हो, उसकी चोली हो, उसकी चुनरी हो, उसका लहंगा हो, उसका जामा हो, उसका जोड़ा हो, उसका कुर्ता हो, उसकी पगड़ी हो, सब कुछ एक पूरे संस्कृति को, अपने प्रदेश की संस्कृति को, अपने देश की संस्कृति के परिचायक माने जाते हैं। और लोकगीतों में वस्त्रों पे बहुत ही गीत रचे गए हैं, जिसमें बलमारे, मैका चुनरिया, लाल रंगा आदि, और इसको शास्त्रीय संगीत में भी बहुत सुंदर ढंग से लिया है, और वो भी लोक से ही लिया गया है कि रंग दे रंग रे जवार, रंग दे रंग रे जवार, जैसे मोरे पिया की पगड़िया, रंग दे ऐसी रंगा दे सुरंग चुनरिया, जैसे मोरे पिया की पगड़िया, रंग दे विवाह गीतों में कितने ही सारे विवाह गीत आप देखेंगे कि जिसमें वस्त्रों की बात आती है। जामा भी लाल बना, जोड़ा भी लाल बना, जामा भी लाल बना, जोड़ा भी लाल बना, हे लालो लाल तेरे मुख का रुमाल बना, जहां देखो तहां लालो लाल बना, जहां देखो तहां लालो लाल बना। इसी प्रकार गोदना, डिठोना आदि लोककृत्य जिनका संस्कृति के परिचय में विशेष योगदान रहा है। कितने ही प्रदेश हैं वहां पे गोदना गुदाने की बहुत सुंदर प्रथा है, और हम उनके गोदना को देखकर, वो छत्तीसगढ़ खासकर आदिवासी जो क्षेत्र है, जो जनजातीय का क्षेत्र है, उसमें तो ये गोदना एक आवश्यक है। सभी महिलाएं अपना, पुरुष भी, कुछ पुरुष भी और अधिकांश महिलाएं गोदना गुदवाती हैं। ऐसन गुदना गोदू गोदन हारी, जैसन चुनरी रंग रे जरे, बहुत सुंदर गीत इसके मिलते हैं गोदना के। डिठौना भी काजल लगाने की प्रथा है कि काजल में तो इतना सुंदर, जैसे जब बच्चा होता है तो काजल लगाने की जो प्रथा है, वो ननद उसकी उस समय में सारी मांगे भाभी से मानती है, और बड़ा सुंदर वो कृत्य भी होता है। अक्सर नंदे एक आंख में काजल लगाकर छोड़ देती हैं कि, और उस पे गीत भी बहुत सुंदर सुंदर बनाए गए कि मांगे मांगे ननद रानी कंगना, लालन के भय में। इस तरह से बहुत सारे जच्चा बच्चा के गीत हैं जिनमें कि डिठौना, वो काजल लगाने की जो रस्म है, उसके बहुत ही सुंदर गीत पाए जाते हैं। साथ ही बंसी बजाना, एक देखा जाए तो बच्चा होने पे देवर के बंसी बजाने का भी बहुत सुंदर संस्कृति है, प्रथा है, और उस संस्कृति को बहुत ही सुंदर ढंग से लोकगीतों में पिरोया गया है। देवर की, देवर जो आए हैं बसिया बजने को, इस तरह से करके बहुत सारे गीत मिलते हैं। अगर उदाहरण दिया जाए तो हजारों गीत मिल जाएंगे। विवाह के समय में एक उबटन लगाने की प्रथा है, और उबटन लगाने की जो प्रथा है उसके गीत भी मिलते हैं। आज सियाज के उबटन लगाऊं, उबटन लाग रही, मंगल गीत सुनाऊं, उबटन लाग रही। लोक में संवाद होता है,
और संवाद के देखिए कैसे उत्तर प्रत्युत्तर प्रश्न उत्तर इसकी परंपरा रही है। कैसी कटोरी में अगर चनन है, कैसी कटोरी में अगर चनन है, कैसी कटोरी फूले उबटन लाग रही। अब उत्तर दिया जाता है कि सोने की कटोरी में अगर चनन है, सोने की कटोरी में अगर चनन है, रूपे कटोरी फूले उबटन लाग रही। अरे रूपे कटोरी फूले उबटन लाग रही। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में जीवन यापन हेतु धन की आवश्यकता है, तो अर्थ से जुड़े भी विविध पक्ष लोक संस्कृति में दिखाई देते हैं। जीवन में अर्थ का स्थान, अर्थ की आवश्यकता, धन की रक्षा विनाश, श्रम का महत्व, श्रम के प्रति प्रोत्साहन, आलसी की निंदा, श्रमिकों के विभाग, जीविका के साधन कृषि, जुताई बुआई, खलिहान, पशुपालन, कारीगरी के काम सुनार, लोहार, बढ़ई, पटवा, कुम्हार, राज, हलवाई, रंगरेज, ठठेरा, चूड़ीहार, धुनिया, तेली, जुलाहा आदि से जुड़े अनेक तथ्यों का प्रकटीकरण लोक संस्कृति का विषय है। व्यापार का आदर्श, रीति वस्तुएं, नौकरी, भिक्षा वृत्ति आदि का भी चित्रण यथेष्ट दिखाई देता है। परिवार, पंचायत, राजा, दंड विधान, सामाजिक सद्भाव, सामंत तथा उनके अवशेष, जमींदारों के अत्याचार एवं विवेक, वीरता तथा देशभक्ति की चेतना, धर्म जाति समन्वय, प्रजा का चैतन्य, राष्ट्रीय चेतना, स्वाधीनता संग्राम से जुड़े विविध विषयों, अन्य राज्यों राष्ट्रों से संबंध, नीति निर्धारण आदि विषयों का चिंतन लोक संस्कृति में प्राप्त होता है। अनेक लोकगीतों में राष्ट्रीय चेतना के तत्कालीन व्यवस्था से जोड़कर देखा जा सकता है। जब हम आजादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं तो मैं इस विषय में कहना चाहूंगी कि लोग हमेशा से समकालीन परिस्थितियों को सामाजिक परिवेश पे हमेशा सजग रहा। राष्ट्रीय चेतना, जब हम स्वाधीनता संग्राम की बात करते हैं तो लोक कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अनेक ऐसे लोकगीत रचे गए, अनेक नौटंकियां रची गई, अनेक जो कजरी, बिरहा, आल्हा, चैती, इन सभी के वर्ण विषय जो होते थे वो स्वाधीनता संग्राम से जुड़े होते थे। और मैं एक और भी पक्ष पे प्रकाश डालना चाहती हूँ कि कहते हैं कि संगीत शास्त्रीय हो या लोक संगीत हो, इनके कलाकार उस समय में स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। वो लड़ाई को अपने संगीत के माध्यम से लड़ रहे थे। वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का वंदे मातरम गायन रहा हो, या पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का वंदे मातरम गायन रहा हो, या विष्णु दिगंबर पलुस्कर के भक्ति गीत, जो कि जब भी भीड़ जुटानी होती थी, गांधी जी के, नेहरू जी के भाषण जब होने होते थे, तो जनता को जुटाने के लिए इन कलाकारों को लाया जाता था। और वो भजन गाते थे, वो कजली गाते थे, वो बिरहा गाते थे, और गा गा के पब्लिक को बांधते थे। और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते थे और अपने व्याख्यान द्वारा जनता को सम्मोहित करते थे, जिससे कि जनता उनके पीछे चली और आजादी के लड़ाई को पर विजय प्राप्त की।
लोक गीतों में आप अनेक गीत पाएंगे। साथ ही बहुत ही सुंदर बातें इस विषय में, अनेक नौटंकियां, गौहर जान जैसी जो कोठे वालियां थी वो भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिस्सा ले रही थी और अपने संगीत के माध्यम से बहुत सारे ऐसे उनके क्षण मिलते हैं, ऐसी उनकी कथा मिलती है कि जिसमें उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो लोक कलाकारों की जब बात की जाए तो कजरी, अनेक कजरियां मिलती हैं, और मोरे चरखा के न टूटे तार, चरख वा चालू रहे, मोरे चरखा के न टूटे तार, चरख वा चालू रहे, गांधी बाबा दुल्हा बने हैं, गांधी बाबा दुल्हा बने हैं, दुल्हन बनी सरकार, चरख वा चालू रहे। इसी तरह से औरतें भी, घर में औरतें जो मांग करती हैं उसमें भी कितना सुंदर राष्ट्रीय भावना छुपी है। एक कजरी का गीत है कि हमका मंगाई दराजा, हाँ हाँ हमका मंगाई दराजा, खतर की चुनरिया, विदेशी जिन ले आया बालमा, खादी हमरे मन में भावे, हमके बीतल याद दिलावे, गांधी बाबा के वही है निशानिया, विदेशी जिन ले आया बालमा, हमका मंगाई दराजा, खतर की चुनरिया, विदेशी जिन ले आया बालमा। लोक जीवन के में आस्तिक के विचारधारा सदैव ही प्रवाह मान रही है। जीवन से जुड़े समस्त धार्मिक कृत्यों, देवी देवता पूजा पाठ, गणेश सूर्य हनुमान राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश देवी शीतला सरस्वती दुर्गा संकटा आदि के श्रृंगार से लेकर मनौतियों तक की व्याख्या लोक गीतों की धरोहर है। व्रत त्योहार ऋतु दान पुण्य आदि धार्मिक कृत्य, पति भक्ति तीर्थ यात्रा, रामायण पाठ, हरि कीर्तन करना, ईश्वर जीव जगत ब्रह्म मोक्ष आदि धार्मिक विश्वास, पौराणिक कथाओं में शिव गौरी राम सीता राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े सर्वांगीण पक्षों का विवेचन, साथ ही भाग्यवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, अवतारवाद, आस्था, शकुन अपशकुन, भूत प्रेत, झाड़ फूंक, जादू टोना आदि का वर्णन लोक संस्कृति को समृद्ध बनाता है। सभी चरित्र धार्मिक आस्था से जुड़े हैं। व्यक्ति की परिकल्पना भी ईश्वर से जोड़कर की गई है। हम ईश्वर से किस तरह से जुड़ता है, सोहर गीतों का तो मैंने आपको उदाहरण बताया ही, साथ ही जब हम विवाह के गीत गाते हैं तो जब सुहाग मांगने की प्रक्रिया होती है तो बड़ा सुंदर गीत रचा है, मुझे बहुत ही पसंद है, गौरा पार्वती के आगे, शंकर पार्वती के आगे, अपना भाग मांगन जई हो, हाँ सोहाग मांगन जई हो, बाबा ऐसा वर दीनो, मैया ऐसा वर दीनो, बाबा ऐसा वर दीनो, मैया ऐसा वर दीनो, जिनके हो लक्ष्मण से भाई, जिनके कौशल्या सी माई, अपना भाग मांगन जय हो, हाँ सोहाग मंगन जय हो। इसी प्रकार जब दरवाजे पे वर आता है तो द्वार चार के समय एक बहुत ही सुंदर गीत गाया जाता है कि रघुनंदन फूले न समाए, लगन आई हरे हरे, रघुनंदन
फूले न समाए लगन आई हरे हरे। तो इस प्रकार अनेक गीत लोकगीत हमारी संस्कृति के हमारी परंपरा के संवाहक हैं। जब शादी होती है तो देखिए किस तरह से प्रकृति को जोड़ा है हर कृत्य के साथ। हमारी संस्कृति में वो शादी में जब मंडप छाने की प्रक्रिया होती है तब बहुत ही सुंदर गीत रचा गया है कि हरे हरे बसवा के माड़ो गड़ाइल सुखी सरपतिया छवान हो ताही बीच गाड़ल लामी रे हरितिया पियर हरितिया रंगाई हो। सभी कृत्य जीवन से मृत्यु तक के सभी संस्कार सभी राजनैतिक सामाजिक सभी कृत्य हमारी संस्कृति के सभी पक्ष लोकगीतों से में समाये हुए हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि लोकगीत हमारी संस्कृति का जीवंत स्वरूप है जिसे सुनकर हम किसी भी देश काल परिस्थिति का अंदाज लगा सकते हैं। और एक विडंबना आज के समय में ये जरूर आ रही है कि लोग को बड़ा हेय समझा जा रहा है। एक दूसरा पक्ष भी है कि लोग को फैशन के रूप में लोगों ने अपना लिया है। आज बहुत सारे इसके लिए फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलती है सरकारी संस्थानों द्वारा, तो युवा जुड़ना तो चाहते हैं किंतु एक फैशन के रूप में, एक जो आत्मा से जुड़ना है, लोक के लिए कुछ करना है। अगर हमें कुछ करना है लोक को कि जो ये गौरवशाली परंपरा है इसको हमें संरक्षित रखना है, इसको संवर्धित करना है, तो हमें इनसे प्रेम करना होगा और इन संस्कारों को इन अपनी धरोहरों को, जैसे कहते हैं कि अगर सूर कबीर मीरा तुलसी ने लिखा न होता तो हम अपने पौराणिक मान्यताओं से पौराणिक तथ्यों से परिचित ना हो पाते, हम अपने धर्म से हम अपनी संस्कृति से परिचित ना हो पाते। तो वही बात मैं लोक गीतों के लिए लोक संस्कृति के लिए लोक साहित्य के लिए कहना चाहूंगी कि इन्हें सृजन करना इनको संरक्षित करना हमारा नैतिक दायित्व तो है। जब हम इनका संरक्षण करेंगे इन पे संवर्धन पर सचेत होंगे इनके संवर्धन पर सचेत होंगे तब हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने कलाओं के अपनी संस्कृति के वास्तविक रूप से जो कि इन गीतों में इन नाट्यों में इन गाथाओं में इन आख्यानों में इन कथाओं में संरक्षित हैं उनसे परिचित करा पाएंगे। इन सभी का संरक्षण करने के प्रति हमारी चेतना जागृत हो इसी शुभकामना के साथ इसी शुभांशा के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। साथ ही एक बार पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नमस्कार।